दोस्तों, अगर आपने पिज्जा डिलीवरी और खूनी पिक के बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि बुल्ली और शॉन ने मिलकर खूनी पिक को गैराज के अंदर बंद कर दिया था और फिर वो दोनों मिलकर गाड़ी को ले जाकर गैराज के आगे लगाने ही वाले थे, लेकिन तभी खूनी पिक गैराज खोलकर बाहर आ गया और बुल्ली और शॉन की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। बुल्ली खूनी पिक को देखते ही पीछे हटने लगा, लेकिन गुस्से से बौखलाए हुए खूनी पिक ने बुल्ली पे हमला करके उसे बेहोश कर दिया। लेकिन शॉन को पता ही नहीं चला कि खूनी पिक बाहर आ चुका है। वो तो बस अपनी धुन में बार बार गाड़ी को ऊपर नीचे करने में लगा हुआ है। खूनी पिक शॉन की जब ये हरकत देखता है तो वो भी शॉन के साथ लुका छिपी खेलने लगता है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। कुछ देर बाद शॉन पिक की उछलती कूदती हुई पूंछ देख लेता है और वहां से फरार हो जाता है। शॉन ये सोचते हुए आगे बढ़ता कि खूनी पिक गैराज से बाहर आ गया और बुल्ली ने उसे बताया भी नहीं, लेकिन जब शॉन आगे जाकर देखता है तो उसे बुल्ली बेहोश मिलता है। अरे ये क्या हो गया? शॉन समझ जाता है ये सारा काम खूनी पिक का है, उसने बुल्ली को मार कर बेहोश कर दिया है। इधर कुछ देर बाद जब खूनी पिक पलट कर देखता है तो शॉन उसे वहाँ नहीं मिलता। पिक का दिमाग खराब हो जाता है। खूनी पिक तो शॉन के साथ खेल खेल रहा था, लेकिन शॉन उसे धोखा देकर भाग गया। ऐसा नहीं हो सकता, अरे शॉन तो यहाँ भी नहीं है। शॉन चाहे जहाँ भी हो, खूनी पिक उसे ढूंढ निकालेगा और फिर उसकी हड्डी पसली एक कर देगा। अरे ये क्या देख लिया पिक ने, इसकी तो उसे उम्मीद भी नहीं थी। शॉन के साथ साथ बुल्ली भी गायब हो गया है। 2021 में खूनी पिक का इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा ये तो खूनी पिक ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन कुछ भी हो जाए, खूनी पिक बुल्ली और शॉन को ढूंढ निकालेगा, वो इतनी आसानी से भाग नहीं पाएंगे। इधर अपना गुल्ली घर के बाहर बैठकर बुल्ली और शॉन का इंतजार कर रहा होता।